हाय, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बोलो? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कम्बिनेशन ऑफ लेंसेस एंड मिरर, कम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। उस पर ढेर सारा सवाल किए थे हम लोग, पता है? क्वेश्चन बनाया, देखो कितना भी थ्योरी पढ़ा दूं प्रॉब्लम नहीं बनेगा तब तक जब तक कि खुद से नहीं बनाया बनाया करोगे। जैसे कई बार एग्जाम्पल दिया हूँ, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे साइकिल चलाने का भी, तो वो भी नहीं चला पाओगे। कार चलाने का कितना भी थ्योरी बता दिया जाए, कार नहीं चलेगी, है ना? तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन को, प्रैक्टिस। तो ढेर सारा सवाल हमने कराया था लास्ट लेक्चर में, आज कुछ और सवाल उसमें एडिशन करते हैं, जिसमें पहला सवाल एक आईआईटी का होगा, दूसरा सवाल एनसीईआरटी का होगा 9.38, और तीसरा सवाल होगा फिर एक आईआईटी का क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन आज का। मान लेते हैं, बोलता है एक लेंस है। कैसा लेंस है तुम ही बताओ। ये एक लेंस है, लेंस देखता हूँ कैसा है। लेंस है कनकेवो कन्वेक्स लेंस, जिसके कन्वेक्स वाला पार्ट का रेडियस है 20 सेंटीमीटर और कनकेव वाला पार्ट का रेडियस है 60 सेंटीमीटर। और ये एक टेबल पर रखा हुआ है, टेबल पर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ, पार्ट वन है, कहता है कि एक पिन को इस प्रकार से रखा जाता है। इसका जो म्यू है ना, वो 3/2 है। म्यू है लेंस का 3/2। कहता है कि पिन को इस प्रकार से रखा जाता है कि उसका इमेज पिन पर ही बन जाता है। क्वेश्चन क्लियर है? कहता है कि पिन को कहाँ रखेंगे कि उसका इमेज पिन पर भी बन जाएगा, एंड वेयर शुड पिन बी प्लेस्ड सच दैट इमेज ऑफ पिन विल कॉन्साइड विद द पोजिशन ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ पिन। क्वेश्चन नंबर एक हुआ, और ये आईआईटी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन आईआईटी में। पिन को कहाँ रखेंगे कि पिन का इमेज कॉन्साइड कर जाएगा पिन के पोजीशन से। पहला पार्ट है वेयर शुड पिन बी प्लेस्ड सच दैट इमेज ऑफ पिन सच दैट इमेज ऑफ पिन विल कॉन्साइड विथ दी पोजिशन ऑफ पिन। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं ना, इसका पहला पार्ट ये था, और इसका सेकेंड पार्ट में क्या कहता है देखो। इसके सेकेंड पार्ट में बोलता है ये वाली बात, कहता है जो कनकेव पार्ट है ना लेंस का कनकेव पार्ट जो है, उसमें भर देते हैं पानी। क्या भर देते हैं? पानी भर देते हैं, और उसका जो म्यू है वो 4/3 है, और इसका तो म्यू वही रहेगा, कितना? 3/2। और ये तो इसी तरह से रहे, यानी कन्वेक्स सरफेस ऑफ कनकेवो कन्वेक्स लेंसेज सिल्वर्ड। तो कहता है कि पिन का जो पोजीशन पहले था, उस पोजीशन से पिन को कितना शिफ्ट करेंगे कि पिन का पोजीशन से उसका इमेज कॉन्साइड कर जाए। यानी कहता है, नो इफ कनकेव पार्ट इज फिल्ड विथ वाटर ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3,
थ्रू व्हाट डिस्टेंस पिन बी डिस्प्ले सच दैट इमेज इज अगेन कॉन्साइड विद द पोजिशन ऑफ पिन. क्वेश्चन लिख देता हूं मैं. कहता है नौ इफ कनकेव पार्ट, इफ कनकेव पार्ट ऑफ, इफ कनकेव पार्ट ऑफ लेंस इज फिल्ड विथ वाटर, फिल्ड विथ वाटर, म्यू इज इक्वल टू चार बटे तीन, देन थ्रू व्हाट डिस्टेंस, थ्रू व्हाट डिस्टेंस, थ्रू व्हाट डिस्टेंस पिन शुड बी डिस्प्लेस्ड, पिन शुड बी डिस्प्लेस्ड सच दैट अगेन द पोजिशन, अगेन द इमेज विल कॉन्साइड विथ पोजिशन ऑफ पिन. दिख नहीं रहा है ना, यहां लिख देता हूं ना, displaced such that again the position of image coincide with pin position. क्वेश्चन तो बड़ा सुंदर है. क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? एक मिनट, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? आप इस क्वेश्चन को जो लिखा हुआ उसको मैं हटा देता हूँ, बाकी बात करते हैं. क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन में क्या कह रहा था? पहला केस में कह रहा है, पहला केस में कह रहा है कि पिन को कहाँ रखेंगे कि पिन का पोजीशन कॉन्साइड कर जाए विद द पोजीशन ऑफ पिन, का इमेज कॉन्साइड करेगा विद द पोजीशन ऑफ पिन. तो कैसे बनेगा देख लेते हैं. मिटाना भी तो पड़ता है. चलो स्टार्ट करते हैं. ये लेंस मिरर कॉम्बिनेशन है. जी एक सवाल मैं तुमसे पूछ लेता हूँ, तब जवाब देना है ना. मान लेते हैं ये एक मिरर है, मान लेते हैं ये एक मिरर है. सपोज ये एक मिरर है, जवाब देना ठीक से. और इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो इमेज कॉन्साइड कर जाएगा विद द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. पता है कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर पर रखेंगे तो इमेज का पोजीशन कॉन्साइड कर जाएगा. यानी अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखेंगे तो लाइट ऐसे जाएगा और वहीं से लौट के वहीं आ जाएगा ना. यानी मिरर में, मिरर के सेंटर पर अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर ही बन जाएगा. इसका मतलब हुआ कि अगर इस दोनों का कॉम्बिनेशन इसके नीचे ठीक बनाता हूं, देखो मान लेते हैं इसका कॉम्बिनेशन एक मिरर की तरह काम करता है. और उस अगर मिरर का फोकल लेंथ अगर एफ होगा तो उस मिरर का सेंटर सी होगा और सी बराबर कितना हो जाएगा 2f के दूरी पर ना. यानी इस 2f के दूरी पर अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट जहां पर रहेगा इमेज वहीं पर बन जाएगा. इसका मतलब हुआ कि इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल देंगे. तो अब देखो इसमें लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा. फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकाल देते हैं इसमें, लेंस का फोकल लेंथ, लेंस का फोकल लेंथ, मिरर को छोड़ देना. तो क्या लिखेंगे, म्यू माइनस वन, वन बाय आर वन, आर वन बराबर माइनस थर्टी, माइनस आर बाय माइनस वन बाय आर टू.
तो लेंस का फोकल लेंस आएगा, ये आ जाएगा 1/2, 3/2 मैंने सुनो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एलसीएम 60, 30 × 2 = 60, अब 20 × 3 = 60, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो यानी इस प्रकार से कितना होगा, 1/1/120 हो जाएगा, 1/120 हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ लेंस बराबर 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ लेंस मिरर कॉम्बिनेशन का है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मान लेते हैं एफ है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन एफ निकाल देता हूं नहीं, तो 1/f इज इक्वल टू, पढ़ाए तो किए थे ना लेंस पर 2 बार, 1 बार मिरर पर नहीं, 2/f फोकल लेंथ ऑफ लेंस और 1/f फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ओके 2/f फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस बराबर, अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना निकाले हैं, कितना निकाले हैं ना देख रहे हो, 120 सेंटीमीटर निकाले हैं, वेरी गुड। अब फोकल लेंथ ऑफ मिरर बराबर कितना निकाले हैं, मिरर निकालने का जरूरत नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना है ना 20 है ना, उसका आधा हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो इसको एलसीएम लेके बना लेता हूं मैं, 120 हुआ, ये हुआ 2 और ये हुआ 12, यानी 14/120, 14/120, 14/120, तो कितना हो जाएगा, कहीं गलती नहीं ना हुआ है, एक मिनट चेक कर लो, जानते हो यहाँ पर 60 लिया हुआ था, हमने 30 ले लिया, गलती हो गया ना, ध्यान से उतर गया, फिर से सही आना पड़ेगा, इसको देखो ठीक करना पड़ेगा, यहाँ 60 देना पड़ेगा फोकल, इसका रेडियस होकर जो 60 था, हम लोग ने 30 ले लिया था, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 60, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस बराबर 60 हो जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू यहाँ कितना दे देंगे, 60 दे देंगे, ओके अब यहाँ पर 60 एलसीएम ले लेते हैं, 60 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हुआ 2 और यह हुआ 10 × 60, 6, तो इसका मतलब कितना हुआ, 8/60, तो फोकल लेंथ बराबर हो जाएगा 60/8 यानी 7.5 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे 15 सेंटीमीटर पर, पहला बात क्लियर हो गया, यानी ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो इमेज का पोजीशन, यानी इसका ये दोनों का कम्बिनेशन, ये फोकल लेंथ निकाला एफ और इस एफ का 7.5 सेंटीमीटर होगा, यानी इसके बदले में ये रख देंगे और इसका सेंटर पर अगर ऑब्जेक्ट कर रखेंगे तो इमेज उसी पर पोजिशन पर बन जाएगा, ये क्लियर है, ओके। अब क्या कह रहा है कि पिन को कितना डिस्प्लेस करेंगे कि अगेन पिन का पोजिशन वही बन जाएगा, इसका मतलब है इसका इस कॉम्बिनेशन का हमको क्या निकालना पड़ेगा, फोकल लेंथ निकाल देना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकला एफ, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ इस बार निकाल देते हैं, एफ डैश कर देते हैं इसका, अगर इसका फोकल लेंथ एफ डैश निकलेगा तो ये जो नया वाला पोजीशन होगा ये कितना हो जाएगा, 2f के बराबर हो जाएगा ना, तो पुराना पोजीशन से पता चल जाएगा पहले यहाँ था अब यहाँ पर कितना शिफ्टिंग होगा, यानी ये हमको निकालना है ये वाला पोजीशन, तो सबसे पहले ये वाला लेंस जो था ना ग्लास वाला था और ये वाला लेंस क्या हो गया, वाटर वाला लेंस हुआ, तो वाटर लेंस का फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहला पार्ट क्या करते हैं, फोकल लेंथ ऑफ बी वाला पार्ट बनाते हैं, फोकल लेंथ ऑफ वाटर लेंस, वाटर लेंस,
वाटर वाला लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? देखो ये प्लेन सरफेस है और ये इधर से देखेंगे तो इस तरह का कर्व सरफेस है, तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ वाटर इज इक्वल टू लिख देंगे म्यू माइनस 1 × 1 बाय आर वन। आर वन की जगह कितना ले लेंगे इसका रेडियस इन्फिनिटी, और इसका कितना ले लेंगे 60, 1 बाय माइनस 60। ओके यहाँ आ जाएगा 4/3 माइनस वन को करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 माइनस वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1/3 ये आ जाएगा, और ये 0 0 + 1/60 यानी फोकल लेंथ कितना आ जाएगा 180 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ वाटर लेंस कितना आ जाएगा 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कम्बिनेशन का फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कम्बिनेशन निकाल देता हूं, फोकल लेंथ ऑफ कम्बिनेशन को हम एफ डैश मान लेते हैं, तो 1/f बराबर पहला लेंस पर 2 बार होगा ना, ये ग्लास वाला लेंस है, ग्लास वाला लेंस है, और दूसरा बात है वाटर वाला लेंस पर 2 वाला हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 1 बार हो जाएगा मिरर वाला पर इस पर, तो इस सब को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, 2/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, 2/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस ले लेंगे, 2/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस सॉल्व कर देता हूं मैं, 2/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस बराबर कितना दिया था 60। ओके अब 2/ फोकल लेंथ ऑफ वाटर वाला लेंस 180, वेरी गुड, और ये फोकल लेंथ ऑफ मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 सेंटीमीटर है, उसका आधा कितना होगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सबको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितना आएगा वो देखते हैं, है ना, तो 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा सबका एलसीएम कितना होगा 180 ले लेते हैं, एलसीएम 180 आ जाएगा, अगर एलसीएम 180 आ जाता है तो यहाँ हो जाएगा 6 × 3, 3 × 2 = 6, यहाँ 6 आएगा, ओके 180 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, ओके ये हुआ 18, तो 18 × 2 = 26, 26/180 सेंटीमीटर यानी 13/90 सेंटीमीटर, यानी एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा 90/13, है ना, तो ये दूरी कितना हो जाएगा 2 × 90/13 यानी 180/13, और ये कितना हो जाएगा 13.85 हो जाएगा। ओ इसका मतलब हुआ ये दूरी हो गया 13.85, तो कितना से शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट बराबर कितना होगा, शिफ्ट बराबर पुराना पहले पोजीशन कितना था 15 सेंटीमीटर था और बाद में कितना आ गया 13.85 आ गया, इसका मतलब 1.15 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर है, तो पहला क्वेश्चन ये था आईआईटी का क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देते हैं और वो और भी मजेदार होने वाला है, शानदार सवाल दूसरा एनसीईआरटी का, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 9.38, क्वेश्चन नंबर है 9.38, 9.38 क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक मिरर है, प्लेन सरफेस है यानी प्लेन मिरर है, और उस प्लेन मिरर के ऊपर में एक लेंस रखा हुआ है, लेंस सटा हुआ होगा ऑब्वियसली, ओके ऐसे समझिए, और इसके अंदर एक लिक्विड है, और ये वाला जो लेंस है म्यू बराबर 3/2 रखता है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पिन है, एक पिन को इसके एक्सिस पर कहाँ रखा जाए
यानी एक जगह एक पिन को ऊपर नीचे मूव करा के एक पोजीशन मिलता है 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, जहां पिन को रखेंगे तो पिन का इमेज पिन के ही पोजीशन पर बन जाएगा। पहला केस में ये है, वाटर है इसमें भर दिए, सॉरी इसमें लिक्विड भरा हुआ है, पहला केस में लिक्विड ऐसे भर दिए। दूसरा केस में कह रहा है कि अगर इस लिक्विड को हटा देते हैं, तो कहता है कि लिक्विड को हटा देने पर ये 30 सेंटीमीटर के दूरी जब रख होता है ना, लिक्विड इस बार हटा दिए, लेंस खाली है, तो पिन का पोजीशन विद द पोजीशन ऑफ इमेज कॉन्साइड कर जा रहा है। क्वेश्चन जरा समझना है, क्वेश्चन को समझना है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया क्या है? कहता है कि अगर कोई लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे मालूम नहीं है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम नहीं है, और एक एक लेंस है जो प्लेन सरफेस पर रखा हुआ है, और कहता है कि पिन का पोजीशन अगर 45 सेंटीमीटर पर होता है तो पिन का इमेज पिन के पोजीशन से कॉन्साइड कर जा रहा है, आगे पीछे पिन को खिसका के सेट कर रहे हैं। फिर कहता है कि अगर इसके जो लिक्विड है लिक्विड को हटा देंगे और सिर्फ एयर रह जाएगा, आप उस पिन का पोजीशन जब 30 सेंटीमीटर पर रखते हैं तब उसका इमेज पिन से कॉन्साइड कर जा रहा है। क्लियर है बात? यानी पिन का इमेज पिन के पोजीशन से कॉन्साइड कर जाता है जब लिक्विड रखेंगे तब 45 सेंटीमीटर पर, और पिन का इमेज कॉन्साइड कर जाएगा पिन के पोजीशन से जब यहाँ से लिक्विड हटा देंगे। तो कहता है कि बताइए, क्या बताइए, बताइए फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड क्या होगा, क्या निकालना है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड, यही लिक्विड का कितना होगा फोकल लेंथ। ये तो बड़ा आसान है ना, पहले मेथड वन समझाता हूँ, मैं मेथड टू भी समझा दूंगा। सबसे पहला क्या करूँगा, इस इक्विवेलेंट का फोकल लेंथ निकाल देंगे, नहीं इसका इक्विवेलेंट का फोकल लेंथ निकाल देंगे। देखो अगर इस इक्विवेलेंट का फोकल लेंथ एफ है तो यहाँ अगर पिन को रखेंगे तो ये सेंटर होना चाहिए, लाइट ऐसे आएगा और ऐसे जाके चला जाएगा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगा, ये दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा 45 है ना, तो इसका मतलब ये दूरी हो जाएगा 45, यानी ये 40, यानी ये 2f हो जाएगा और 2f बराबर 45 सेंटीमीटर का पहला केस में। क्लियर है? और दूसरा केस में भी वही बात होगा, दूसरा केस में जो इसका जो इक्विवेलेंट होगा, इसका इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट होगा, वो एक मिरर के तरह काम करेगा, और उस मिरर का फोकल लेंथ अगर एफ डैश है, अगर उस मिरर का फोकल लेंथ अगर एफ डैश है तो वो 2f डैश बराबर 30 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। नहीं, इसका मतलब इसका सेंटर पर होना चाहिए ना, इसका सेंटर अगर फोकल लेंथ एफ डैश सेंटर के 2f डैश हो जाएगा और वो हो जाना चाहिए 30 सेंटीमीटर। ये दोनों बात क्लियर है? तो इसका मतलब पहला केस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना आएगा, 45/2, और दूसरा केस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ किसका आएगा, 30/2। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इन फर्स्ट केस, आप देखो लेंस का फोकल लेंथ सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्टेप वन में थिंकिंग प्रोसेस समझो, थिंकिंग प्रोसेस ये हुआ, थिंकिंग प्रोसेस समझा देता हूं मैं पहले, थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा, थिंकिंग प्रोसेस होगा सबसे पहले लेंस ग्लास वाला और लिक्विड वाला और मिरर का तीनों का कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकाल देंगे, उसका जो फोकल लेंथ होगा वो 45/2 कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर एयर कर देंगे, उसके बाद उसका फोकल लेंथ निकाल देंगे कॉम्बिनेशन का, उसका फोकल लेंथ को 30/2 कर देंगे तो आ जाएगा। तो दो तरीका है थिंकिंग प्रोसेस, मेथड नंबर वन से देखो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट केस, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट केस में क्या होगा, देखो फोकल लेंथ ऑफ ग्लास लेंस का कितना होगा, ये तो जानवे करते हो ना, अगर इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, इक्वी कन्वेक्स है और म्यू बराबर 3/2 है, तो ये फोकल लेंथ ऑफ ग्लास बराबर आर बन जाएगा, हो जाएगा, याद है तुमको, नहीं याद है तो देख लो, याद बना देता हूँ मैं, फोकल लेंथ ऑफ ग्लास बराबर वहाँ कितना हो जाएगा, 3/2 - 1, और वन बाय प्लस आर, माइनस वन बाय माइनस आर, ये सब अब तक सीखे हो कि नहीं, इधर से लाइट रह आएगा तो पॉजिटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका नेगेटिव हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 और 2/r,
टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो वन बाय एफ ग्लास बराबर वन बाय आर आ जाएगा, यानी फोकल लेंथ ऑफ ग्लास बराबर आर आ जाएगा। पहला समझ में आया बात? पहली बात समझ में आ गया ना? ओके, दूसरी बात समझाता हूँ। देखो पहली बात तो समझ गया, दूसरा बात समझाता हूँ मैं। अब फोकल लेंथ ऑफ फिर निकाल देते हैं लिक्विड वाला का, फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड वाला का निकाल देते हैं, क्या होगा लिखेंगे, तो म्यू लिक्विड का माइनस वन, म्यू लिक्विड का माइनस वन इंटू, म्यू लिक्विड का माइनस वन इंटू क्या कर देंगे, वन बाय इस तरह से बचेगा, देखो ऐसा ना हो जाएगा, वाटर वाला ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा ना ऐसा, लेंस दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा माइनस आर और उधर का हो जाएगा इन्फिनिटी। इसको हटा देते हैं, इसको सेटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस वन बाय माइनस आर हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ ऑफ लेंस बराबर क्या हो जाएगा, लेंस बराबर क्या होगा लिक्विड वाला का, लिक्विड वाला कितना होगा आर बाय म्यू माइनस वन को उल्टा देते हैं, तो वन माइनस म्यू हो जाएगा, माइनस साइन को सेट कर दिए। अब फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, फर्स्ट केस में फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। अब फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, निकाल देता हूं मैं, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन यहां लिख देता हूं मैं, वन बाय एफ इज इक्वल टू दो बटे फोकल लेंथ ऑफ ग्लास वाला का, नहीं दो बटा फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड वाला का, एक बटा फोकल लेंथ ऑफ मिरर, क्लियर है, तो वन बाय एफ इज इक्वल टू दो बटा फोकल लेंथ ऑफ ग्लास, दो बटा फोकल लेंथ ऑफ ग्लास, फोकल लेंथ ऑफ ग्लास कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, प्लस दो बटा फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड, दो बटा फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड, फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड कितना होगा आर बटा वन माइनस म्यू, नहीं आर बाय वन माइनस म्यू ऊपर कर देता हूं मैं, प्लस और ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लेन सरफेस है, ओके तो बराबर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये एलसीएम ले लेंगे आर, ओके और दो ले लेते हैं यहाँ कॉमन, तो रहने तो दो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टू और यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू म्यू, इस प्रकार हो जाएगा 4 माइनस टू म्यू बाय आर हो जाएगा, क्लियर हो गया बात, 4 माइनस टू म्यू बटा आर, यानी फोकल लेंथ बराबर कितना हो जाएगा इस केस में, फोकल लेंथ बराबर क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ बराबर क्या आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं, फोकल लेंथ बराबर क्या आएगा, फर्स्ट केस में फोकल लेंथ बराबर आ जाएगा, उसको उल्टा देंगे कितना हो जाएगा आर बाय फोर इंटू फोर माइनस टू म्यू, इसलिए फोकल लेंथ हो जाएगा, फोकल लेंथ बराबर हो जाएगा एफ इज इक्वल टू आर बाय फोर माइनस टू म्यू, और ये बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 45/2, ये हो जाएगा 45/2। सेकेंड केस में उसी प्रकार से सिमिलरली एफ डैश क्या निकालेंगे, देखो इस दोनों में सब कुछ सेम है, खाली इधर वाला जो लेंस आया हुआ ना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेना है, एयर न है, अब बाकी सब तो सेम है, तो क्या होगा आर बाय 4 माइनस टू और म्यू की जगह 1 रख दोगे, और ये एफ डैश बराबर कितना होगा 30/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को भागा दे दो, अपने आंसर आ जाएगा, 1 में भागा दे देते हैं 2 का, 1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा,
क्या आ जाएगा, इसमें इसको भागा देंगे तो 4 माइनस 2 बाय 4 माइनस 2 म्यू आ जाएगा, और ये 45 बाय 30 आ जाएगा। यानी 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, और 4 माइनस 2 म्यू आएगा, फिर 15 गुना 30, अब 15 गुना 2, 15 तिया 45, 15 दूना 30, इधर से आएगा 2 दूना 4, ओके, इधर से आएगा 12 माइनस 6 म्यू, यानी 6 म्यू इज इक्वल टू 8, यानी म्यू इज इक्वल टू 4 बाय 3, यानी 1.33। क्वेश्चन समझ में आया ना अच्छा से? एक और सवाल लेते हैं और आइडिया मिलेगा, है ना? अगला क्वेश्चन देखो, एक आईआईटी का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कहता है मैं लिख देता हूं। उस क्वेश्चन में कह रहा है सब चीज यही है, मैं इसको चेंज कर देता हूं कुछ। कहता है पहला केस जो था ना, इसमें क्वेश्चन में जरा अपने से बनाओगे, सब कुछ सेम था, ये दोनों चीज, दो चीज बदलने वाला है। इसको मैं बदल देता हूं, रुको। ये कहता है 15 सेंटीमीटर हो जाता है अगर इसमें रख देंगे वाटर, म्यू बराबर वाटर का म्यू ले लेना है 4/3। फिर से क्वेश्चन समझिए। कहता है कि ये कन्वेक्स लेंस है, और प्रिंसिपल एक्सिस के, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई पिन रखेंगे या ऑब्जेक्ट रखेंगे, इस प्रकार से रखेंगे कि इसमें इमेज का पोजीशन ऑब्जेक्ट के पोजीशन से कोइंसाइड कर जाएगा अगर वो 15 सेंटीमीटर है तब। तो फिर कहता है उसको हटा के इसके जगह की दूसरा लिक्विड भर दिए, तो कहता है उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा कि अगर ये 25 सेंटीमीटर पर फिर कोइंसाइड करने लगा, 15 था ये 25 हो गया, यानी ऑब्जेक्ट। बड़ा आसान क्वेश्चन है, नहीं? फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन समझिए, कहता है कि एक इक्वी कन्वेक्स लेंस को फ्लैट सरफेस पर, जो कि मिरर है, पर रखा गया और उसमें वाटर भर दिया गया। जब उसमें वाटर भरेंगे तो वैसे केस में एक ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो उसका इमेज कॉन्साइड कर जाता है। पहला क्लियर है बात? दूसरा बात कहता है कि अगर एक्सपेरिमेंट को फिर रिपीट कर देंगे, और रिपीट करने के बाद उसमें एक लिक्विड रख देंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो कहता है कि 25 सेंटीमीटर पर जब होगा तो उसका इमेज फिर कॉन्साइड कर जाएगा, है ना? तो कहता है बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड क्या होगा, बनेगा, बना के देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे? बड़ा आसान एकदम। इस सब सवाल क्या है, इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ इस कॉम्बिनेशन का ये सेंटर है। नहीं, अगर इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ, अगर हम इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ अगर हम एफ माने, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो ये सेंटर हो जाएगा, यानी 2f बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी f बराबर हो जाएगा 15/2 सेंटीमीटर पहला केस में। और दूसरा केस में क्या होगा, अंदाज लगाओ। अंदाज क्या लगाना, अब तो सीख गया होगा। दूसरा केस में अगर इसका फोकल लेंथ f डैश है तो इसका सेंटर कहाँ होगा, ये सेंटर होगा, सेंटर कहाँ पर होगा, सेंटर होगा 2f डैश पर, और वो 2f डैश बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी f बराबर, इसमें f बराबर निकलेगा कितना, 15/2 निकलेगा, है ना? और इसमें f डैश बराबर कितना लिखेगा, 25/2 निकलेगा, यानी इस केस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और इस केस में इक्विवेलेंट फोकल निकाल देना है। इक्विवेलेंट फोकल निकाल लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंस का पहले फोकल लेंथ निकाल देंगे, फिर
फिर ग्लास लेंस का फिर पहले निकालेंगे, फिर वाटर लेंस का निकालेंगे, और मिरर का तो मालूम है, तीनों का कम्बिनेशन निकालेंगे, उसके बाद इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अपने से भी तो बना सकते हो, अपने से वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखना है कि बनता है कि नहीं बनता है। सबसे पहले फोकल लेंथ तुमको बचपने से सिखाया हुआ है ना, अगर ये एक लेंस है और इसका μ3/2 है, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, तो एफ बराबर आर हो जाएगा, तो यानी इसका फोकल लेंथ आर हो जाएगा, फोकल लेंथ आर के बराबर हो जाएगा ग्लास वाला लेंस का। अब फोकल लेंथ ऑफ वाटर लेंस ने बच गया, जैसे ये वाला है वाटर लेंस, देखो ये है वाटर वाला लेंस ने, इन हो जाएगा ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ देखो, यहीं से यहाँ सोचो, इधर उधर मत सोचो, यहाँ से यहाँ सोचो, तो क्या होगा, कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आर है, और इसका इसका है म्यू, मान लेते हैं डब्ल्यू है, तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा, 1/फोकल लेंथ ऑफ वाटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/फोकल लेंथ ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, देख लो फोटो इस प्रकार से है ना, 1/फोकल लेंथ ऑफ वाटर, 1/फोकल लेंथ ऑफ वाटर बराबर कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ वाटर बराबर हो जाएगा म्यू वाटर -1 × −R − 1/∞ प्लेन सरफेस हो गया, 1/फोकल लेंथ ऑफ वाटर बराबर हो जाएगा म्यू वाटर -1 − R, इस तरह से आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन का मतलब लेंस वा ग्लास वाला, एक मिनट, अब फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन फर्स्ट केस में, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, वेरी गुड, क्या होगा फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1/f, देखो यहाँ पर लेंस लेंस मिरर, यानी इस लेंस पर 2 बार, इस लेंस पर 2 बार, इस लेंस पर 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, यानी इस पर 2 बार, इस पर 2 बार, 1 बार रिफ्लेक्शन होगा, तो क्या लिखेंगे, 2/फोकल लेंथ ऑफ लेंस, कौन वाला, ग्लास वाला, ले ग्लास वाला ले लो, ओके, उसके बाद 2/फोकल लेंथ ऑफ वाटर वाला लेंस नहीं, और उसके बाद 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर, वैल्यू भी रख देता हूं, नहीं तो 2/फोकल लेंथ ऑफ ग्लास, यानी 2/R बन जाएगा ये, के ये 2/फोकल लेंथ ऑफ वाटर, तो 1/FW का मान तो दिया हुआ है ही ना, तो म्यू वाटर -1/−R, यानी 1/F = कितना आ जाएगा, तो यहाँ R ले लेते हैं, एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा R, एलसीएम हो जाएगा आर, थोड़ा मिटा देता हूँ, गंदा लग रहा है, एलसीएम हो जाएगा आर, इसका एलसीएम है आर, यहां हुआ 2, यहां हुआ -2μW +2, ये वाला इन्फिनिटी हो गया, 1/f एम, एफ एम इन्फिनिटी हो गया, तो 0 हो जाएगा इन्फिनिटी, आर मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी ना हो जाएगा, तो इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, वो वाला केस। तो ये हो जाएगा 4 − 2μW/R, तो एफ बराबर कितना होगा, F = R/4 − 2μW, सबको मिटाते हैं, तुमको समझाता हूं, देखो क्या क्या आया, क्या क्या आया समझ लेते हैं। सबसे पहले कितना आया था, यह एक मिनट, कितना आया था, तो इसका फोकल लेंथ कितना आया, f बराबर आया R/4
फोर माइनस टू म्यू वाटर। अच्छा बोलो तो एफ डैश बराबर कितना होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इसमें इसमें क्या अंतर है। यहाँ पर म्यू डब्ल्यू है, म्यू वाटर है, जिसका मान मैं बड़ा समझदारी से काम किया नहीं रखा, और यानी म्यू का मान रख देते तो मज़ा नहीं आता, अब म्यू वाटर को बाद में रखेंगे। तो इसी प्रकार से अगर इसका आएगा इतना, तो इसका कितना आएगा अंदाज लगाओ, इसका कितना आएगा, फोर माइनस टू म्यू आएगा। लिक्विड का फोकल लेंथ निकालता है। तो बाय क्वेश्चन ये बराबर कितना होगा, ये बराबर कितना होगा, ये बराबर होगा 15/2, और ये कितना होगा 25/2। इसको एक नंबर मान लेते हैं, इसको दो नंबर मान लेते हैं, समझ में आया। क्या करेंगे अब, क्या करेंगे, एफ बाय एफ डैश कर दो, एफ बाय एफ डैश करेंगे तो इतना बाय इतना, यानी फोर माइनस टू म्यू, ये एफ बाय एफ डैश हो जाएगा, इतना बट इतना करेंगे तो ये रहेगा नीचे में चला जाएगा ऊपर, तो फोर माइनस टू म्यू वाटर। अब बराबर हो जाएगा यहाँ 15/25, दो दो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, देखो दो एलसीएम लेके रख देता हूँ मैं, टू माइनस म्यू, टू छोड़ो ना, क्या उतना टेंशन ले रहा है, 4 माइनस 2 म्यू ऊपर आया, यहाँ 4 माइनस 2, अब म्यू के वाटर की जगह 4/3 रख देता हूँ, 5 गुना 3, अब 5 गुना 5 25, तो यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 4 तिया 12 में से 8 गया, क्या हो जाएगा 4 तिया 12, अब 12 में से 8 गया तो 4, 4/3 हो जाएगा ना, 4 गुना 3 12, 12 में से 8 गया 4, 4/3 आ जाएगा इज इक्वल टू 3/5, तो 4 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 3/5 गुना 4/3। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, क्या करेंगे कैलकुलेट उसके बाद, 4 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू, पर आसान है रे, 3 3 कैंसिल हो गया तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 यानी 2 म्यू इज इक्वल टू 4 माइनस 4/5, 2 म्यू इज इक्वल टू 5 का 20, 20 में से 4 गया 16 16/5, तो म्यू इज इक्वल टू 8/5 यानी 1.6। तीन सवाल था और तीनों अपने आप में शानदार सवाल था। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मैं लास्ट लेक्चर में इंटेंसिटी के बारे में बताया था, थोड़ा सा और आइडिया, अच्छा से आइडिया दे रहा हूँ मैं, लास्ट लेक्चर भी बताया था, आज थोड़ा सा और अच्छा से बताता हूँ, देखो मिटाते हैं इसको पहले। लास्ट लेक्चर में इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ बात किए थे, उसको थोड़ा सा आज रिव्यू कर देता हूँ, उसमें थोड़ा सा और क्लियर करने की ज़रूरत लगता था, तो आज उसको एक नए अंदाज में, नए स्टाइल में देखेंगे, और वो नया स्टाइल देखो एरिया से रिलेटेड करके मैं बता दूंगा। जैसे कि मान लेते हैं एक लेंस है, एक लेंस है, और लेंस का शेप तो पता है ना, इधर से अगर टॉप व्यू करेंगे यानी फ्रंट व्यू करेंगे तो कैसा होगा, फ्रंट व्यू करेंगे तो ऐसा होगा ना, और ये इसका अपर्चर है मान लेते हैं, तो इसका अपर्चर बराबर डी होता है, मान लेते हैं डी है, यानी इसका ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट है डी, तो इसका रेडियस कितना होगा, डी बाय टू हो जाएगा नहीं, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसका इमेज ऐसे बनेगा, है ना, ऑब्जेक्ट का इमेज इस प्रकार से बनेगा, इधर से लाइट जाएगा सारा लाइट यहाँ पर बन जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का इमेज हर जगह, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बनेगा, क्लियर है बात, तो इसका जो इधर से जो लाइट जा रहा था ना, उसका हम ई वाला फोटो को मैं ई तरह से बना दिया, यानी ऐसे जो दिख रहा था ना, इसको क्या किया, ऐसे बना दिया, तो ए वाला हो जाएगा, तो इसका एरिया कितना होगा,
तो कहता है इंटेंसिटी जो होगा ना, इंटेंसिटी इंटेंसिटी याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इंटेंसिटी याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अपर्चर का स्क्वायर, अपर्चर का स्क्वायर। कैसे, इस बात को हम एक बार और समझा देता हूँ मैं। यानी अगर इसकी इंटेंसिटी अगर आई है तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया, और एरिया बराबर क्या होता है बताओ तो, एरिया बराबर क्या होगा इसका, एरिया बराबर होगा पाई आर स्क्वायर, नहीं यानी पाई आर स्क्वायर यानी पाई डी स्क्वायर बटा टू, और डी जहाँ अपर्चर है ना, आया समझ में बात। हाँ यही तो बता रहा था, यानी अपर्चर का स्क्वायर यानी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और उसका डी स्क्वायर। ऐसा सोचते ना, जितना लाइट जाएगा इधर से उतना ही, जितना लाइट इधर जाएगा उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा। अब मान लेते इधर से आधा पार्ट कवर कर दिए, मान लेते हैं हाफ पार्ट कवर कर दिए, इस प्रकार से हाफ पार्ट को कवर कर दिए, पेपर से कवर कर दिए, तो क्या होगा, लाइट तो उबला पार्ट से नहीं जाएगा, ई वाला पार्ट से जो लाइट जा रहा था यहाँ नहीं जाएगा, अब क्या होगा, सिर्फ यहाँ से लाइट यहाँ जाएगा। याद रखना अगर इसको ढक देंगे पेपर से या किसी भी प्रकार से तो इमेज, ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज बनेगा, बताए थे ना, ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज बनेगा लेकिन उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। तो इस बार जो एरिया वाला कितना होगा इंटेंसिटी, अब इसको हम ऐसा मान लेते हैं आई बराबर, हम मान लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर है तो आई बराबर हम मान लेते हैं, आई बराबर हम मान लेते हैं इस तरह से, देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो इंटेंसिटी बराबर, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया कर देता हूँ ना, तो यानी के गुना ए हो जाएगा, यानी आई बराबर होगा के गुना ए, एक जगह रख देता हूँ मैं पाई डी स्क्वायर बट्टा टू, और इसको हम मान लेते हैं आई नॉट, यानी यहाँ का इंटेंसिटी मान लेते हैं आई नॉट है, इंटेंसिटी बराबर आई नॉट इस केस में मान लेते थे, इस केस में इंटेंसिटी कितना होगा, तो इंटेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ने, तो इस बार का एरिया हो जाएगा के ए डैश, के ए डैश, ए डैश की जगह कितना होगा, आधा हो जाएगा ना, हो जाएगा पाई पाई या फोर आ जाएगा, फोर आ जाएगा ना, अरे यार ये फोर आ जाएगा है ना, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ फोर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डैश हो जाएगा पाई और डी बटा टू पाई आर स्क्वायर का आधा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा के पाई डी स्क्वायर बटा फोर, उसका भी आधा हो जाएगा, इसका मतलब आई नॉट बटा टू हो जाएगा, बात समझने का कोशिश करोगे। अरे इसमें पूरा एरिया है पाई आर स्क्वायर, इसमें इसमें एरिया आधा हो जाएगा पाई आर बटा टू का स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर का आधा हो जाएगा, नहीं पाई आर स्क्वायर, आर की जगह डी बटा टू कर दिए, के ए डैश, ए डैश मतलब ई वाला एरिया, ई वाला एरिया कितना होगा, पूरा एरिया का आधा, तो पूरा एरिया का आधा, और ये बराबर आई नॉट था तो आई नॉट बटा टू आ गया, तो यानी इंटेंसिटी बराबर आई नॉट बटा टू आ जाएगा। एक केस और डील करना था और वो केस क्या है वो देख लो, वो केस था कि अगर बीच वाला पार्ट को पेपर से कवर कर देंगे, तब मान लेते हैं ये है और ये वाला सेक्शन को कवर कर दिया जाए, और वो वाला सेक्शन हम मान लेते हैं डी बाय एन है, तो लाइट अब यहीं से खाली जाएगा है ना, यहाँ से तो जाएगा नहीं, तो इसका टॉप व्यू, अगर टॉप व्यू की बात करेंगे तो टॉप व्यू बराबर इतना एरिया में से इतना एरिया को छाट के हटाना ना, ये बराबर है डी बट एन, तो बचा हुआ एरिया मेरा कितना होगा, इसी से लाइट जाएगा ना खाली, खाली लाइट ई वाला एरिया से जाएगा, तो बचा हुआ एरिया कितना होगा, इस बार जो एरिया होगा ना, एरिया मतलब जिस एरिया से लाइट ट्रांसमिट होता है, ये एरिया कौन सा है, एरिया थ्रू विच लाइट पासेस यानी लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया है, ये एरिया कौन सा है,
ये जो एरिया है ना लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया है, तो लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया ये वाला ना हो जाएगा, पूरा एरिया नहीं लेना है, वो वाला एरिया लेना है जिससे लाइट ट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ तो कवर कर दिए ना, तो इस वाला एरिया से लाइट ट्रांसमिट करेगा नहीं, या अंदर से तो करेगा नहीं, तो ये पूरा एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर में हटा देंगे पाई, रेडियस उसका आधा ना होगा, अगर पूरा डायमीटर डी है तो उसका आधा होगा डी बटर टू, तो पाई आर स्क्वायर हुआ टोटल एरिया में से, इसको हटा देंगे, इसका रेडियस कितना होगा, इतना हो जाएगा ना, इतना को हटा देंगे तो बाकी बच गया, यानी पाई डी स्क्वायर बटा 4 को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 - 1/n² हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से इंटेंसिटी बराबर क्या होगा, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा, यानी इंटेंसिटी बराबर के गुना ए होगा इस केस में, आ के गुना ए एक जगह रख देंगे पाई डी स्क्वायर बटा 4 और 1 - 1/n² यहाँ से रख देंगे, और इसके जगह आई नॉट रख देंगे, और ये 1 माइनस इस तरह से हो जाएगा, और इसी को ना हम लोग बोले थे I0 - I0/n², यानी इसकी इंटेंसिटी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसकी इंटेंसिटी बराबर कितना होगा, इसकी इंटेंसिटी को अगर आई नॉट बोलेंगे तो I0 - I0/n², याद कर लेना है, याद कर लेना है इसको। अब जो फाइनल कंक्लूजन आया हो हम वो देखते हैं, तो फाइनल कंक्लूजन ये आया कि ये इंटेंसिटी जो होगा, इंटेंसिटी इमेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा, कौन सा एरिया होगा, लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया, यानी जिस एरिया से लाइट बाहर आएगा, और वो एरिया यहाँ अपर्चर लेना है, अपर्चर का स्क्वायर, ये अपर्चर का स्क्वायर याद करना गड़बड़ गलत लगता है, लगता है एरिया से ही रिलेट कर लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपर्चर से सुंदर है एरिया का स्क्वायर, एरिया से रिलेट करो, यानी इंटेंसिटी यहाँ पर इस केस में अगर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होगा तो आई बराबर के गुना ए हो जाएगा, है ना, और के गुना ए यानी इसको हम मान लेते हैं आई नॉट इंटेंसिटी, कैसे आई नॉट इंटेंसिटी मान लिए, तो हम इसको आई नॉट मान लेते हैं, समझ जाओ ना, अगर फिर इसमें अगर बीच वाला पार्ट जो डी बाय एन है, बीच वाला पार्ट जो डी बाय एन है उसको कवर कर देते हैं, तो इमेज की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इमेज बराबर, इंटेंसिटी ऑफ इमेज बराबर कितना हो जाएगा, बताए थे ना आई बराबर I0 - I0/n² कर दोगे, इसी में अगर ये पूछ देता कि ये एक लेंस है और उस लेंस में ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ना जो कवर किए है ना वो टी बटा टू है, यही पूछा हुआ है नीट में, IIT में भी पूछा हुआ लगता है, इस तरह से लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो इस प्रकार से आएगा, और यहाँ की इंटेंसिटी कितना होगा, इंटेंसिटी इमेज की इंटेंसिटी कितना होगा, यानी इससे तुलना करना है, अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई बराबर I0 - I0/2 का स्क्वायर कर देंगे ना, यानी I0 - I0/4 यानी 3 I0/4, 3 I0/4। आज का लेक्चर को इसी में रखना, आज तो न्यूमेरिकल ही खाली हुआ, लास्ट लेक्चर में यानी अगले क्लास लेक्चर में प्रिज्म के बारे में बात करेंगे, प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है थोड़ा सा देख के आओगे तो और मज़ा आएगा, मिलते हैं अगले क्लास में, होमवर्क बनाओगे यानी क्वेश्चन घर में बनाओगे, बेस्ट ऑफ लक।